जय हिंद। फिर इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे राजनंदिनी मेटल लिमिटेड कंपनी के बारे में। गाइस, पिछले कुछ समय में जिस तरीके से मेटल एंड स्टील सेक्टर में तेजी आई है, जिस तरीके से इसमें काम करने वाली कंपनियों के शेयर प्राइस भागे हैं, जाहिर सी बात है कि इस तरह के स्टॉक यदि कम प्राइस पे मिल रहा हो तो उसे ऐसे स्टॉक को खोज कर उसके ऊपर वीडियो बनाना काफी जरूरी हो जाता है। और यदि पहले से ही आपका इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट है तब तो आपके लिए सोने पर सुहागा है। बाकी जिसका इन्वेस्टमेंट नहीं उसको मैं बताऊंगा कि आपको मेटल सेक्टर में स्टील सेक्टर में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ताकि देखिए, जाहिर सी बात है सबको ये स्टॉक मार्केट में इसलिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते हैं। और पैसा तब बनता है जब आप क्वालिटी स्टॉक में पैसा लगाते हैं और ऐसे समय पर पैसा लगाते हैं जहां पे लेवल निकल के आ रहे हो, लेवल ठीक हो, सही लेवल पर बाई करेंगे तब फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न जनरेट होकर मिलेगा। तो मैं इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करूंगा इस स्टॉक का, आपको बताऊंगा किस लेवल पर आपको इसमें बाई करना सही रहेगा। पहले से इन्वेस्टमेंट है तो आपको आगे क्या रणनीति अपनानी है इस स्टॉक में ज्यादा से ज्यादा और कम समय में पैसा बनाने के लिए, सारी चीजों को इस वीडियो में आसान भाषा में हम लोग समझने वाले हैं। गाइस, राजनंदिनी मेटल लिमिटेड मेटल के सेक्टर में एक जाना पहचाना नाम है और काफी तेजी से उभरते हुए ये कंपनी ग्रो करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। आपको काफी एनालिसिस करने के बाद मैं स्टॉक्स को चूज करके लाता हूँ और ऐसे कंपनी में यदि आपका इन्वेस्टमेंट होता है तो निश्चित ही आपको, देखिए गारंटी तो कोई नहीं दे सकता लेकिन ज्यादातर कंपनी में अच्छा परफॉर्मेंस होता है। यहाँ पर समझेंगे राजनंदिनी मेटल लिमिटेड जो कंपनी है मेटल सेक्टर में काम करती है। यहाँ पे आप देखेंगे ज्यादातर कॉपर एंड कॉपर वायर्स ये स्टॉक्स, रॉड्स एंड कॉपर वायर्स ये स्टॉक्स बनाती है। साथ में कंपनी देश भर में निर्माताओं और जो उपभोक्ता होते हैं उनके बीच नेटवर्किंग का भी कंपनी काम करती है। काम काफी शानदार है। मेटल के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी तो जाहिर सी बात है काम शानदार ही है क्योंकि जैसे मैंने शुरू बताया स्टील एंड मेटल सेक्टर में पहले कुछ समय में जबरदस्त कमाई करा के दी है। एक चीज यहाँ पे समझना होगा, स्टॉक आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनएससी पे लिस्टेड मिलेगा, बीएससी पे लिस्टेड नहीं है। हालांकि आजकल जितने भी नए स्टॉक्स लिस्ट हो रहे हैं शेयर मार्केट में वो एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट हो रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज है कंपनी का काम काफी बढ़िया है और काम के बेसिस पे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगा। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल की। मार्केट कैप देखिए, ऑलरेडी मार्केट कैप 100 करोड़ से ऊपर के वैल्यूएशन में जा चुका है, यानी कंपनी सेफ जोन में आ चुकी है। इसको इजीली स्पेकुलेशन करना इस स्टॉक में आसान नहीं होगा, कोई व्यक्ति आसानी से इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। और यहाँ पे जो कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी और जो आरओसी है यह भी जबरदस्त है, खासकर जो छोटी कंपनियां होती है उसमें इतना अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी देखने नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे है, यानी कि आगे भी चांस है कि आपके इन्वेस्टमेंट पर अच्छा खासा रिटर्न इस स्टॉक में मिल सकता है। नीचे देखेंगे चार्ट पे, चार्ट पे आपको ये देखने को मिलेगा कि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है। हालांकि डाउन ट्रेंड में होता क्या है कि जब स्टॉक पिछले कुछ समय में अच्छा रिटर्न दिया होता है, खासकर मैं छोटे स्टॉक की बात करूँ तो वो थोड़ा सा डाउन आता है रिट्रेसमेंट करने के लिए, तो वही डाउन ट्रेंड अभी इसमें चल रहा है। हालांकि बहुत हो गया डाउन ट्रेंड, अब स्टॉक को भागने की फिर से बारी आई है और ये डाउन हुआ है प्राइस तो कहीं ना कहीं आपको मौका भी दे रहा है इसमें सही लेवल देख के इसमें फिर से बाई करने का, तो अपॉर्चुनिटी है अभी आपके पास। वो अपॉर्चुनिटी किस लेवल पर मिलेगा चलिए यहाँ समझते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक ये इसके लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन प्राइस जब ऊपर गया और फिर जब नीचे आया तो यही प्राइस इसके लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करने लगा। और देखेंगे तो अभी इसी सपोर्ट के आसपास इस स्टॉक का प्राइस यहाँ पे आकर ठहरा हुआ है, यानी कि अब बारी आ गया इसी सपोर्ट पे सपोर्ट लगे प्राइस को ऊपर उठने का। ओवरऑल आसान भाषा में यदि मैं आपको बताऊं तो अब प्राइस क्या करेगा, इसके नीचे जाने के चांस नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा बहुत उठते हुए प्राइस दिख रहा है और इसी लेवल पे प्राइस इस ये जो रेंज बाउंड्री 10 से 12 रुपये, इसमें थोड़ा सा समय बिता के प्राइस ऊपर निकलेगा और 12 रुपये के ऊपर निकलेगा। सबसे पहले 14 रुपये का जो लेवल है इसको पार करेगा और उसके बाद इजिली आपको 20 रुपये तक जाते हुए दिखेगा। हालांकि जाएगा तो 20 रुपये का डबल, क्योंकि प्रीवियस जो हाई होता है उसको ब्रेक कर जाए तो लगभग इसके डबल तक जाता है, लेकिन हम लोग शॉर्ट टर्म में टारगेट 20 रुपये तक का ही रख के चलते हैं और निश्चित ही ये प्राइस 20 रुपये तक जाएगा क्योंकि चार्ट जो होता है, जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो गलत नहीं बताता। चार्ट ये कह रहा है कि प्राइस सपोर्ट के पास जब आता है तो वहां से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर उठता है, ऊपर उठेगा, बस थोड़ा समय लग सकता है कि इस रेंज में यदि फंस गया तो थोड़ा बहुत समय ले सकता है, लेकिन जब निकलेगा तो प्राइस आपको इजीली 20 रुपये तक जाते हुए दिखेगा ही दिखेगा। तो नए व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जब इस कंपनी का शेयर प्राइस 12 रुपये के ऊपर निकले तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी जिसके पास पहले से मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, यदि टॉप पे बाई करके रखा है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो निश्चित ही उसको जब 12 रुपये के आसपास आए तो एवरेजिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका एवरेज प्राइस कम हो जाएगा तो प्राइस थोड़ा भी ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट दिखने लगेगा। तो ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस भी बढ़िया बता रहे हैं हम लोग यहाँ पर समझ गए। अब बात करते हैं कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर की। देखिए क्वार्टर्स के नंबर में कंपनी का सेल्स जो हो रहा है
पिछले कुछ समय में सेल्स जबरदस्त बढ़ा है और सेल्स बढ़ने के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है, लेकिन कंपनी के खर्चे भी कम नहीं हो रहे, कंपनी के खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़ते जा रहे हैं। हुआ क्या है कि इस क्वार्टर में जो जून क्वार्टर का रिजल्ट आया था प्रथम क्वार्टर का, उसमें कंपनी को थोड़ा बहुत लॉस हो गया था। हालांकि अभी तक कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट में चल रही थी, लेकिन लॉस होने की वजह से कंपनी का क्या हुआ, अपने चार्ट पर देखा प्राइस डाउन आ गया। हालांकि अब जो कंपनी के नंबर आने वाले हैं क्वार्टर टू के, उसमें उम्मीद है नंबर ठीक ठाक आएंगे और फिर कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा और चार्ट पर भी चीज दिख रहा है, तभी मैंने बताया कि अब सपोर्ट के पास है और यहां से प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये चीज फंडामेंटली भी साबित होते हुए दिख रही है। बैलेंस शीट में देखेंगे, चूंकि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो यहां पे थोड़ा बहुत डेब्ट आपको बढ़ते हुए दिखा है। ये डेब्ट आगे चल के कम हो जाएगा और कम हो जाएगा डेब्ट तो कंपनी पूरा प्रॉफिट का जो पैसा होगा उसको अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगाएगी। और प्लस मैंने जैसे बताया कंपनी के जो काम है, काम चूंकि मेटल सेक्टर में काम करने करती है कंपनी, तो निश्चित ही फ्यूचर में इसमें ग्रोथ आएगा, तो इसके बेसिस पे भी और इसमें तेजी आएगी स्टॉक के प्राइस में। सबसे कमाल की बात यह है कि स्टॉक का जब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं तो इसमें देखने को मिलता है कंपनी के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी इसमें तकरीबन 52% के आसपास है। तो ऐसे स्टॉक्स, ऐसे छोटे स्टॉक्स जिसमें प्रमोटर्स हों, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट निश्चित ही होना चाहिए, ताकि प्रमोटर्स कभी नहीं चाहेंगे कि उनके कंपनी का जो ग्रोथ है वो रुके या उसमें किसी तरह की खराबी आए। तो प्रमोटर्स के साथ आप मिलकर पैसा कमाइए, आपको यहाँ पे मौका भी है, और जैसे मैंने बताया कंपनी के काम धाम फंडामेंटल सब चीज़ बढ़िया है, तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी लेवल मैंने दे दिए, उस लेवल का आप ध्यान रखिएगा। मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।